डिवाइड 253 बाई 5। वाइल डूइंग दिस डिविजन मैनी डू दिस मिस्टेक। वॉट इज द मिस्टेक दैट दे डू? आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट वी शुड फ्रेम इट इन दिस वे। 253 एंड 5 हियर, दिस इज योर स्टेप 1। नेक्स्ट, हियर वी हैव 2 एंड हियर 5। 2 इज स्मॉलर देन 5, सो वी शुड टेक टू नंबर्स 25। वेन डू वी गेट 25 इन 5 टेबल? 5 5s 25। नाउ यू शुड सब्ट्रैक्ट 25 माइनस 25 0। आफ्टर दिस ब्रिंग डाउन द बिसाइड नंबर, सो 3 डाउन। आफ्टर दिस स्टेप द मिस्टेक हैपेंस एंड द मिस्टेक इज दिस। हियर वी हैव 3 एंड हियर 5। 3 इज स्मॉलर देन 5, सो वॉट मैनी डू इज दे डायरेक्टली पुट डॉट एंड टेक 0, विच इज रॉन्ग। वाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज जस्ट नाउ यू ब्रॉट दिस नंबर डाउन एंड इन द सेम स्टेप यू वॉन्ट टू पुट डॉट एंड टेक 0, विच इज रॉन्ग। आई रिपीट, ब्रिंगिंग द नंबर डाउन एंड ऑल्सो पुट डॉट एंड टेक 0, bring the number down and put dot and take 0, both at the same step you are not supposed to do. Instead, what you should think of doing is, what number should be right here? If I take 1 here, I will get 5, but 5 is larger than 3, so what we should do is we should take 0. So 5 into 0, 0. Now you should subtract 3 minus 0, 3. Over here, we did not bring any number down, and 3 is smaller than 5. So now you can put dot and take 0. So 30. When do we get 30 in 5 table? 5, 6, 30. Now you should subtract 30 minus 30, 0. So this is our remainder and this is our quotient. Did you understand where the mistake happens? You should not do that mistake.